नमस्कार मित्रों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 8 में। गीत समीक्षा के क्रम में आगे की पंक्तियां हैं। श्वेत सतदल पर सुशोभित अरुण चरणों में नील अंबर हरित धरती संग मैं नत हूं। सरस्वती वाक शक्ति सृष्टि के आरंभ से ही उज्जवल कमल पर विराजती हैं। यहां उज्जवल और कमल दोनों शब्दों की पृथक पृथक व्यंजनाएं हैं। कमल से तात्पर्य कमल के समान जल में रहकर भी उससे अलग या ऊपर उठे हुए गुणों की ओर संकेत है। ऐसे विद्वान जो संसार में शरीर भर से हैं, उनका मन उसमें लिप्त नहीं है, ऐसे निर्लेप तटस्थ विद्वान को ही सरस्वती के चरणों का स्पर्श सुलभ है। पुनः उज्ज्वल विशेषण उस सूक्ष्म तत्व की ओर संकेत करता है जो सभी विद्वानों में सुलभ नहीं है। रावण महाविद्वान था, किंतु वह जल में कमल की तरह नहीं था। वह द्वेष, दंभ और भोग वासना में आकंठ निमग्न था और सरस्वती अपनी ओर से उसे ही वरण करती है जो केवल कमल की तरह निर्लेप ही नहीं उज्ज्वल और निर्मल भी है। स्वेच्छा से सरस्वती अपने चरणों का स्पर्श कृपा पूर्वक उसे ही देती है। तंत्र मंत्र या कठोर तप के द्वारा शक्ति को हथिया लेना एक बात है और शक्ति परम प्रसन्न होकर स्वयं किसी के मन प्राणों में निवास करना पसंद करे यह दूसरी और कदाचित सबसे बड़ी बात है। कवि का सिर्फ अकेले अकेले ऐसे चरणों में प्रणत होना जैसे समस्त प्रकृति को आंदोलित कर देता है। केवल कभी ही नहीं प्रत्युत उसके साथ पुरुष रूप आकाश और प्रकृति स्वरूपा धरती भी उसी प्रकार उन चरणों में प्रणत है। प्रज्ञा विजडम से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं और सरस्वती उसकी अधिष्ठात्री देवी गॉडेज ऑफ विजडम है। आगे की पंक्तियां हैं। वन पवन स्वन गुंजरित नव पल्लवित वल्लरी या सतलरी उरहार स्मित रजत द्रव उफन उबल दसन पुलिन छाप छलकी गगन गंगाधार गिरी शिखर से लहर झरते अजर झरनों में निरख पद नरख ज्योति चित्रित मैं निचुलवत हूँ। कभी कहता है कि नई नई कोपलों वाली बेलें जिन्हें जंगल की हवा हौले हौले हिला डुला रही है और मधुर स्वर गुंजरित किए हुई हैं, वह क्या कोई भौरों से घिरी नई बेल भर है? वह तो जैसे माँ सरस्वती के वक्षस्थल पर लहरें लेता हुआ सात लड़ियों वाला हार है, ऐसे ही पिघली हुई चांदी सी मुस्कान दांतों के किनारों को डुबोकर छलकी पड़ती है। वह क्या मेरी मुस्कान भर है? वह तो आकाश गंगा की निर्मल धारा है जो भेष बदलकर माँ के होठों से आ लगी है। इसी प्रकार
पहाड़ की चोटियों से फेन झाग उठाते, बुलबुले उगाते, लहरें ले लेकर लगातार झरते, झरनों में तुम्हारे पांव के चमकीले नाखूनों की उभरी उतराई ज्योति देखकर मैं बेंत की तरह झुक झुक जाता हूँ। कभी कदाचित यह कहना चाहता है कि पहाड़ से झरते झरने केवल झरने ही नहीं, माँ के चरणों के चमकीले नाखूनों की याद दिलाने वाले हैं, जिन्हें देखकर कवि का अहम पिघल पिघल जाता है और वह अपने आप को बेंत की तरह उस जल तल पर झुका हुआ पाता है जो नाखूनों के लावण्य का जल है। तो मित्रों, गीत कला 8 में आपने श्वेत सतदल पर सुशोभित गीत की कुछ पंक्तियों की समीक्षा सुनी। अब अगले गीत कला में मैं इस गीत के श्यामा संगीत के आगे की पंक्तियों की समीक्षा करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आपको यह समीक्षा अच्छी लगी।